ख्वाब देखता है, वो मंत्री बन जाता है, वो मुख्यमंत्री के देखता है। सब अपनी अपनी रेशम, सब के अंदर बेईमानी है, सब्र किसी को है नहीं। भाई साहब, पायलट साहब ने और भी कुछ कहा था कि इतने विधायक हमारे साथ आ चुके हैं, ऐसा कुछ कहा? नहीं, ये मेरी बात नहीं। जो मेरी बात अचानक से सामने आना, इतने दिन से आप लोग कंटिन्यू ये सब चीजों पे जुड़े हुए हैं, बातचीत चल रही है। अरे हम तो वैसे ही आए हैं दोनों भाई, आप लोग आएगा यहाँ पर रोजाना बुलाते हैं, कोई फोन करता है कि कोई फोन करता है, आ जाओ कुछ बता जाओ कुछ कह दो। नहीं, हम तो ऐसे आए, हमें आपके आगे आने से कोई शौक नहीं लग रहा है कि आपके यहाँ पर आए गए तो इससे कोई हमारा उद्धार हो जाए। आप इतने दिन से होटल में आप लोग रह रहे हैं, तो ऐसा खर्चा पार्टी देगी, आप लोग देंगे और क्या देंगे, एक दिन का क्या चल, कितना आप लोगों की बात हुई, ये तो बता। मुझे तो पता नहीं कि कितना खर्चा है। मलिंगा साहब एक बार जवाब, जब मेरे को कोई खर्चा हो यार, आप ऐसी बातें पूछ रहे, खर्चा की क्या खर्चा, खाना तो हर आदमी घर पे खाता है। कौन घर पे खाना खाता है, आप भी खाते हैं। तो ये सरकार का पैसा कौन देगा, सरकार देगी, आपकी पार्टी देगी, कौन देगा? और कोई ना कोई दे देगा, हम खुद दे देंगे, हम पे क्या, कोई हम कोई इतने कंगन तो हो नहीं जाएंगे, हमको तनख्वाह दे देगी सरकार, कोई हम भिखारी तो है नहीं। कितना है रूम का चार्जेस, चलिए आप दे रहे हैं तो बताइए। मुझे नहीं मालूम है कितना चाहिए, जब बोलेगा जब दे देंगे। अच्छा अच्छा आप बताओ, आपके बहुत बड़ा आरोप लगाया है आज की। आरोप नहीं लगाते हम, जो भी आप ध्यान रखना हमारा, हम कभी भी गलत बात नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और हम जो भी करेंगे वो छोड़े में करेंगे, देखिए क्या किसी का करें हम। मेरी कोई सचिन पायलट से बात कभी हुई नहीं, होटल का मामला है तो इसके अंदर सामान्य खाना खाते हैं, जो भी चार्ज होगा हम दे देंगे, हम ही देंगे चार्ज। वैसे आपको प्रलोभन दिया गया था कुछ प्रलोभन? कुछ नहीं दिया था सर। आप कब तक रुकने का आप लोगों का यहाँ पे है कि, और कितने दिन में ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी? और अब होटल से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से आप विधानसभा पॉलिटिक्स में आने में कितना टाइम लगेगा? अभी क्या राजस्थान में मानसून थोड़ा कमजोर चल रहा, हम इंद्र भगवान को राजी करने के लिए सभी विधायक मंत्री मुख्यमंत्री जी मिलके, और हम इंद्र को राजी करने के लिए यज्ञ करेंगे अंदर, और जब बारिश हो जाएगी फिर बाहर आ जाएगी। अच्छा, ये बारिश कब तक होने की संभावना है? अब यज्ञ करेंगे उसके बाद इंद्र भगवान राजी। ये यज्ञ जो आपका पर्सनल है, इतने दिन से आप तो कोई विधानसभा का काम नहीं कर रहे, सरकार का काम नहीं, तो तनख्वाह लेंगे इस बीच में? सब काम कर रहे, कौन नहीं काम कर रहा, ये मोबाइलों से काम कर रहे हैं, कौन नहीं काम कर रहा है, किसके काम रुक रहे हैं, सरकार का कोई काम रुका है? मलिंगा जी, कोरोना की स्पीड राजस्थान में बहुत तेजी से बढ़ गई है। राजस्थान में बस रही, पूरे देश में होगी वो तो। आप राजस्थान पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं आप बताए ना, लेकिन आपके महाराष्ट्र में देख लो 3 लाख से ऊपर, आप ग्राउंड पे नहीं है ना, मलिंगा जी वो ग्राउंड पे है। अपन कैसे ग्राउंड पे नहीं है? गुड़ा जी, अपन क्या नहीं काम कर रही है सरकार, बताएं। बड़ा खुलासा किया है कि सचिन पायलट ने इनको ऑफर दिए थे, आपको लगता है कि बातों में सच्चाई है क्या? आपको जानकारी है, होटल विलास के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी कि एक विधायक ने मुझे आके बताया कि उनकी बीबी ने कहा कि पैसे मत लेना, पैसे लोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज्यादा पैसे खर्च होंगे, इतने पैसे का हम क्या करेंगे। वो मलिंगा जी की वाइफ ने कहा था इनको, घर में बात, इनका ससुराल मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में वहाँ उठा पटक हुई थी, उसके बाद इनकी मलिंगा जी की वाइफ के इनके बीच में चर्चा हुई, वो भी इन्होंने सीएम साहब को बता दी थी, और सीएम साहब ने विधायक दल की मीटिंग में कहा था ये बात, कि जब ये बात हुई तो इन्होंने अपनी वाइफ से चर्चा की होगी बैठ के कि ऐसा ऐसा राजस्थान में भी होने वाला है, तो उन्होंने कहा आपको ये पार्टी मत छोड़ना, और ये ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा खर्च होंगे, सारी बात उन्होंने तो सीएम साहब को उन्होंने पहले ही बता दी थी, बाकी के लोगों के नोटिस में। गुड़ा साहब, विश्वकन्या का भी मामला कोई आ रहा है चर्चाओं में? विश्वकन्या कोई है, सचिन पायलट को डसना चाहती थी, कैसी खबरें हैं राजनीतिक गलियारों में? तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, इनसे बच के रहो आप। ये खतरा तो पूरी टाइम रहता है, कोरोना तो चला जाएगा लेकिन ये खतरा रेगुलर है, ये तो आप सबको, ये आप पर, मेरे पर, सब पर लागू होता है ये विश्वकन्या वाला जो आरोप, या तो जो भी ये खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, या क्या एविडेंस या तो कुछ सबूत के तौर पे जांच अधिकारी या किसी इसको 5 लाख जनता का प्रतिनिधि है, 2.5 लाख मतदाता है, आप अर्जेंट में विधायक है, 3 बार जीते हुए, इनसे बड़ा एविडेंस और क्या? नहीं, आप लोगों ने किसी को हैंड ओवर किया है कुछ ऐसा एविडेंस सरकारी रूप से या आधिकारिक रूप से? जिस तरह से गृह मंत्रालय में भी टेप का, या तो जो
खरीद फरोख्त की बात का सबूत मांगा गया है यहाँ के गृह सचिव से, देखिए तो आप लोगों की ओर से कुछ इसे एविडेंस दिया गया है? 376 के लिए यदि जज साहब ये कह दे कि आप इसके लिए कोई वीडियो लेके आओ या वो लेके आओ, इन चीजों का वीडियो नहीं होता है, ये तो दो नंबर के गंदे काम है। ऑडियो टेप जो आया है इससे सारा स्पष्ट हो गया। मलिंगा जी, अगर आपको जांच एजेंसी बुलाएगी इस आरोप के बाद, इस खुलासे के बाद, तो क्या आप जाएंगे उनके सामने यही बात करने? मेरे को तो मर्जी अजा ले जाओ, सच्चाई इतना ही बोलूंगा, उससे आगे झूठ बोलूंगा नहीं। आपने पहले भी की कोई रिपोर्टिंग है नहीं है, किसी बीजेपी वाले से बात कही नहीं करी, किसी को कोई झूठ आरोप क्यों लगा? बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले पक्ष पे पक्ष रहते हैं, पर झूठ आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगा? जिसने बात की हम उसका नाम लेंगे। छोटा छोटा इंटरव्यू दे दो। हाँ मनीष, हो गया। तो सुशांत पारेख भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और कोशिश है उनकी कि गिरिराज मलिंगा से सीधे बातचीत कर सके जी मीडिया के रिपोर्टर के तहत। तो ये भी देखना होगा, लेकिन गिरिराज मलिंगा का पायलट पर बड़ा आरोप इन्होंने इस समय किया है। गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने आपको घर पर 2-3 बार बुलाया और कहा था कि आप आइए, आपको ऑफर किया उन्होंने पैसों का? नहीं, मेरे को बुलाया नहीं, ये बात भी झूठ है, मेरे को बुलाया नहीं। क्या बातचीत? मैं खुद अपने काम से गया था। एक बार तो मेरे पंचायतों का परसिमन चल रहा था जब मैं गया, जब उन्होंने मेरे से चर्चा की, और एक बार मैं एक वो एक्सीजन का जेएन के ट्रांसफर थे, मैं उनके चक्कर में गया था, जब मेरी बात हुई, मैं आपको बताऊं, वही बात हुई थी, वो बीजेपी में चलना है, पार्टी छोड़ रही है या ऐसा करना है, पैसे ले ले वो जैसे कर लेते हैं, यही बात थी सारी, मैं आपको बताऊं। अब मैं ये कह दूं कि मेरे को पायलट साहब ने घर पर बुलाया, कभी नहीं बुलाया, लेकिन पायलट काम के लिए पायलट साहब ने वहाँ पर स्वयं गया हूँ, मैं काम की वजह से गया हूँ, तो काम की बात भी उन्होंने करिए और साथ ही जेबी बात की। कितने पैसों की बात हो पाई थी? वो तो वही ऊपर सीधा एक ही 35 रेट खुल गई है, सब रेट खुल गई, वो तो रेट खुली हुई है। 35 से ज्यादा भी था? नहीं, ज्यादा नहीं था। फिर उसके बाद फिर आपने मुख्यमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया? मुख्यमंत्री जी को इस घटनाक्रम के बारे में दिसंबर के महीने बता चुका हूँ, स्टार्टिंग हुई है ये दिसंबर में, और दिसंबर के बाद में फिर आपकी अभी ये आपके जब ये राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, इससे कोई 15-20 दिन पहले मैंने एक्सीजन वगैरह की कोई ट्रांसफर फ्रांसफर का ये दही होंगे 15-10 दिन इतना कन्फर्म है, जब भी हमारी बात हुई थी तो जब भी मैंने मना करी, मैंने कहा यार आप इतनी जल्दी क्यों करें, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, उनकी उम्र मेरे से कम है, मैंने उनको बहुत समझाया कि साहब ये बहुत गलत काम है अपन जो करने के लिए जा रहे हैं, अभी आपकी उम्र ही कितनी है। तो भाजपा के साथ मिलकर सचिन पायलट प्लानिंग कर रहे थे, आपको ऐसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे थे। आपकी आपकी मिसेज ने कहा था कि आपको पैसों की नहीं, जो मुंह में नहीं पड़ना चाहिए? मैंने पायलट साहब से भी कही है, जो मैंने गहलोत साहब से भी कही है, मैंने पायलट साहब से कही मेरी आत्मा नहीं करी ना मेरे घर वाले इसको स्वीकार करेंगे, ये पैसा हराम का है, इससे बच्चे खराब हो जाएंगे, अगर गंदा पैसा आएगा तो बच्चे खराब होंगे अपने, अपने पास पहले कम पैसा था जब भी हमारा काम चलता, अब हम कमाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तनख्वाह भी मिल रही है, अब हम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो भी काम हो रहा है, अगर और ज्यादा पैसा हो जाएगा तो अपन ज्यादा खर्चा करेंगे और बिगड़ेंगे, बच्चे बिगड़ेंगे। सीएम साहब का क्या रिएक्शन रहा था? सीएम साहब ने तो यही कही कि नहीं यार मैं उनको समझाऊंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, मैं साहब ऐसा हो रहा है, मैं तो आपको पहले से बता रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है जो भी है वो आप देख लो, मैं 2 बार बताया तो उन्होंने ये कि नहीं नहीं यार सचिन ऐसा क्यों करेगा, मैं साहब मेरी 2 बार बात हुई है, मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ, बकाया अब आप देख लेना, मेरा काम तो बताने तक का था, अब आप जे गए कि आपने सोनिया जी को नहीं बताया कि राहुल जी को नहीं बताया, तो मैं आज तक अपने जीवन में नहीं गया हूँ, ना सोनिया जी के पास गया ना राहुल जी के पास गया। आपके पास कोई एविडेंस है इसका? एसओजी अगर पूछताछ के लिए बुलाया? मैं तो खुद आता हूँ, अगर मेरी बात अगर झूठ है तो सचिन जी आए कि नहीं कहते कि मैं झूठाऊंगा, और झूठा तो सारे हिंदू धर्म में मंदिर से बड़ी कोई चीज नहीं है, या तो वो मंदिर पर जाके नहीं कहते, या मैं कहता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं है, मैं आपसे जो भी कह रहा हूँ को उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं कभी, मैं जो भी आरोप नहीं लगाऊंगा झूठा, जो बात सच्चाई है मैं वो ही कहूँगा, जिसमें तो मैं खुद गया हूँ उनके पास, काम के काजे गया हूँ, 2 बार मैं काम की बदौलत गया हूँ, काम के लिए गया हूँ, जब उन्होंने चर्चा की है, कभी उन्होंने मुझे फोन करके नहीं बुलाया इस काम के लिए। गिरिराज मलिंगा एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरा खेल जो है वो 8 महीने से चल रहा था, और राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से उनसे कहा गया था, सचिन पायलट ने उनको कहा कि आप हमारे साथ आइए,
आपको भाजपा के साथ मिलकर हम लोग एक जो प्लान कर रहे हैं उसमें शामिल होइए। हालांकि रकम जो है वो कह रहे हैं कि 35 करोड़ की रकम की बात कही गई थी, ये वही रकम है जिसकी बात मुख्यमंत्री ने सबसे पहले कही थी और गिरिराज मलिंगा के बयान के हवाले से ही कही थी। यानी राजस्थान की सियासत में जो घमासान चल रहा है उसमें गिरिराज मलिंगा का ही बहुत बड़ा खुलासा है। कैमरामैन मनीष के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। तो आप एक बार मुंह खोलो, जितना चाहोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन 35 करोड़ का एक अमाउंट भी बताया है गिरिराज मलिंगा ने। लेकिन ये भी साथ में कहा है कि सचिन पायलट ने कभी उन्हें बुलाया नहीं घर, बल्कि वो अपने काम से गए थे और उस काम की बातों के बीच में सचिन पायलट ने उनसे शायद इस बात का जिक्र किया जैसा गिरिराज मलिंगा कह रहे हैं। तो कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए, बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन जब बात किसी भी बात को साबित करने की होगी तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक मामले में, नोटिस के मामले में कोर्ट में ये केस गया हुआ है, एसओजी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, इंटरोगेट कर रही है, तमाम उन क्लूज को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ने की कोशिश कर रही है जो लगातार उसको लीड के तौर पर मिलते हैं। अब ऐसे में एसओजी की तरफ से चूंकि नोटिस किया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को भी, उनसे भी पूछताछ के लिए कहा गया है कि वक्त दिया जाए, तो ऐसे में गिरिराज मलिंगा का जो पायलट पर आरोप है, अब इस पूरे सिनेरियो में गिरिराज मलिंगा भी एक मुख्य तौर पर दिखाई पड़ने लगे हैं। राजेंद्र गुड़ा को भी हमने सुना है और कल भी वो लगातार जब मीडिया से बात करते थे, जी मीडिया से बात करते समय उन्होंने काफी कुछ बातें कही थी कि कैसे कैसे संजय जैन का जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन आज सचिन पायलट पर सीधा सीधा आरोप कहीं ना कहीं गिरिराज मलिंगा जो विधायक हैं उनकी तरफ से लगाया गया है।